आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में भाजपा की हैट्रिक। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड से लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया है। 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा के मत प्रतिशत में गिरावट तो आई है, लेकिन पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। इधर प्रदेश में 55 में से 44 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। शेयर बाजार में निवेशकों के 31 लाख करोड़ डूबे, तो आम चुनाव के रुझानों में सत्तारूढ़ भाजपा के बहुमत से दूर रहने के संकेत मिलने के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। विधानसभा चुनाव आंध्र की टीडीपी और उड़ीसा में भाजपा को बहुमत मिला। हिमाचल में सरकार से खतरा टला, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव परिणाम भले ही निराशाजनक रहे हों, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के नतीजे राहत भरे हैं। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में उतरे 6 नेताओं में से 2 ही जीत पाए। हल्द्वानी की अक्षत को नीट में 99.99% अंक, तो आर्यमन विक्रम बिरला स्कूल ऑफ लर्निंग के पास रहने वाले अक्षत पंगरिया ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में पहले प्रयास में 100% अंक 99.99% हासिल किए हैं। अक्षत ने 720 में से 720 अंक अर्जित किए हैं। वह 2 वर्ष से नीट की तैयारी कर रहे थे। उत्तरकाशी में 4 ट्रैकरों की मौत, तो सहसाल की ट्रैकिंग पर गया 22 सदस्यों का दल खराब मौसम के चलते मंगलवार को राह भटक गया। मुश्किल परिस्थितियों में घिरने के बाद 4 ट्रैकरों की मौत हो गई, जबकि बाकी फंस गए। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि अध्यक्ष ट्रैकिंग एजेंसी और गाइड राजेश ठाकुर ने जानकारी दी कि ट्रैक पर गए दल में 18 लोग कर्नाटक व 1 महाराष्ट्र का था। गाजा में इजराइल का हमला, 11 मरे, तो गाजा पट्टी में फलस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इजरायली हमले में सोमवार की रात तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में हाईवे का एक्सरे होगा, तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने 91,279 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का एक्सरे कराने का फैसला किया है। मोदी तीसरी पारी के लिए तैयार, तो 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए आम चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूक गई। हालांकि राहत की बात यह है कि करीब 295 सीटें जीतने के साथ एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार बनाएंगे या नहीं, फैसला गठबंधन करेगा। तो चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। कांग्रेस सरकार बनाने का प्रयास करेगी या विपक्ष में बैठेगी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हम गठबंधन का सम्मान करते हैं और घटक दलों से चर्चा किए बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें सभी से बातचीत करने के बाद कोई भी फैसला लिया जाएगा। कमल और हाथ का मत प्रतिशत बढ़ा, कांग्रेस ने सीटें भी बढ़ाई। तो लोकसभा के इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के मतों में बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके कांग्रेस की सीटें बढ़ी, लेकिन भाजपा को नुकसान हुआ है। हालांकि वह अकेले ही इंडिया गठबंधन की कुल सीटों से ज़्यादा हासिल कर आगे है। मोदी और धामी की जोड़ी ने रचा इतिहास। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें बड़े अंतर के साथ जीत ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह धामी की जोड़ी का जादू उत्तराखंड की जनता पर सिर चढ़कर बोला। इस जोड़ी ने 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें भाजपा संगठन ने अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड के चुनाव नतीजे सारे दलों के लिए सबक। तो उत्तराखंड के चुनाव नतीजे सभी दलों के लिए सबक हैं। भाजपा ने 2019 की तरह राज्य की सभी पाँच सीटें जीती हैं, लेकिन जीत का अंतर घट गया। केवल नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर अजय भट्ट अपने पिछले रिकॉर्ड के करीब पहुंच सके। कांग्रेस हार का अंतर कम कर पाई, मगर एक भी सीट नहीं जीत सकी।
मोदी सरकार में बलूनी के मंत्री बनने की सर्वाधिक संभावना। तो मोदी मंत्रिमंडल में गढ़वा संसदीय सीट से नव निर्वाचित सांसद अनिल बलूनी के मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। यदि अनिल बलूनी मंत्रिमंडल में जगह बना लेते हैं तो वे मोदी मंत्रिमंडल में गढ़वाल से पहले सांसद होंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले अजय भट्ट और त्रिवेंद्र रावत भी मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। विकास कार्यों के चलते जनता ने लुटाया प्रेम। उत्तराखंड के 44 प्रत्याशी नहीं बचा पाए जमानत। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में 44 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा सिर्फ निर्दलीय बॉबी पवार ही जमानत बचाने में सफल रहे। प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में 55 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे। उत्तराखंड में निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने बनाया रिकॉर्ड। तो उत्तराखंड के 24 साल के सफर में 26 साल के युवा के सियासी दाव ने सबको चौंकाया। मंगलवार की सुबह टिहरी लोकसभा सीट के शुरुआती रुझान आने लगे तो एक बार भाजपा सकते में आ गई। बेरोजगार आंदोलन से निकले बॉबी पवार भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ आगे चल रहे थे। उन्होंने अपने पहले चुनाव में 168,000 से ज़्यादा मत हासिल किए। राज्य गठन के बाद से ऐसी पहली बार हुआ जब किसी निर्दलीय को लोकसभा चुनाव में इतना जन समर्थन मिला हो। बॉबी ने उत्तरकाशी जिले में भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ा। तो उत्तरकाशी जिले में वोट हासिल करने में बॉबी पवार भाजपा कांग्रेस से काफ़ी आगे रहे। यहां बॉबी ने पुरोला और यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। भाजपा और कांग्रेस यहां उनको टक्कर देने की स्थिति में नहीं दिखी, जबकि गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में बॉबी पवार और भाजपा की माला राजलक्ष्मी शाह के बीच कड़ा मुकाबला रहा। माला 1,382 वोट से आगे रही। इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पहले अपने पुराने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई। पुरोला सीट से बॉबी 12,075, यमुनोत्री से 6,765 वोटों से भाजपा से आगे रहे। इस तरह उत्तरकाशी के तीन विधानसभा क्षेत्रों में बॉबी को कुल 65,960, माला को 48,502 और कांग्रेस के ज्योत सिंह गुनसोला को 10,846 मत मिले। बॉबी पवार के पक्ष में इस तरह आए रुझान। तो मंगलवार सुबह पहले पुरोला और यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्रों से रुझान आए तो यहां बॉबी पवार भाजपा और कांग्रेस से आगे चल रहे थे। जैसे जैसे मतगणना में तेजी आई तो वे भाजपा से पिछड़ जरूर गए, लेकिन 11 बजे के रुझान में वे कांग्रेस के ज्योत सिंह बिष्ट के मुकाबले 10,000 वोटों से आगे थे। अब की बार एनडीए सरकार तो 291 सीटें मिली एनडीए को, 400 पार का था नारा। तो 240 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ा दल। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता। इंडिया भी असरदार, 206 सीटें। इंडिया गठबंधन को हार कर भी विपक्ष खुश। तो यूपी में मुरझाया कमल, 33 सीटों पर सिमटा। राम मंदिर के बाद भी अयोध्या हारी बीजेपी। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा की उम्मीद थी कि इसका लाभ पूरे देश में मिलेगा, पर पार्टी उम्मीदवार लल्लू सिंह फैजाबाद से हार गए। अयोध्या इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन राम जीते। टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल मेरठ से कड़ी टक्कर में 10,585 वोटों के अंतर से जीत गए। मोदी की जीत का अंतर घटा। पिछली बार 4.79 लाख, इस बार 1.52 लाख। तो दो चुनावों में वाराणसी से लगातार भारी अंतर से जीते रहे पीएम मोदी इस बार सिर्फ 1,52,513 वोटों से जीत सके। स्मृति समेत मोदी सरकार के 19 मंत्री हारे। तो मोदी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित 18 मंत्री चुनाव हारे हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 6 मंत्री हार गए। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने ईरानी को 1,64,331 वोटों से मात दे दी। किसान आंदोलन के दौरान चर्चित हुए अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से महेंद्रनाथ पांडे चंदोली निरंजन ज्योति
फतेहपुर, संजीव बलियान मुजफ्फरनगर और कौशल किशोर मोहनलालगंज से हार गए। जिन दो राज्यों के मुख्यमंत्री हुए गिरफ्तार वहां भाजपा की बाहर, तो जिन दो राज्यों के चुनाव में पहले मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई उन राज्यों में भाजपा आगे रही। केरल में पहली बार कमल खिला। उत्तराखंड बड़ी पंचायत के पांच सीटों पर फिर भाजपा के उम्मीदवार जीते। सहस्ताल ट्रैक पर फंसे ट्रैकर, ठंड से चार की मौत हो गई। नीट में 67 विद्यार्थियों को 100% अंक, इनमें 14 बेटियां। तो MBBS समेत मेडिकल के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए हुई नीट UG 2024 में 67 विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल किए। कुल 720 में से 720 अंक पाने वाले में 14 लड़कियां भी शामिल हैं। इन्हें पहली रैंक मिली है। परीक्षा में इन सभी छात्रों के अंक समान होने के कारण इन सभी को एक समान नीट रैंक एक दिया गया है। हल्द्वानी के अक्षत, यूपी के आर्यन आयुष को पहली रैंक मिली। असम बाढ़, 7 की मौत, 4.23 लाख लोग प्रभावित हुए। तो असम में बाढ़ से मंगलवार को 7 और लोगों की जान चली गई, जबकि 9 जिलों में 4.23 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। वायुसेना का सुकोई खेत में गिरा बाल बाल बचे पायलट। तो भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुकोई 30 मंगलवार को नासिक के खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नासिक रेंज के विशेष महानिरीक्षक DR कराले ने बताया, सुकोई SU-30 MKI विमान के पायलट व सह पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। कमल की कसमकस, तो हिंदुत्व पर भारी पड़ी जाति और मुस्लिमों की लामबंदी। तो NDA का आंकड़ा भले ही सरकार बनाने लायक बहुमत से आगे निकल गया हो, भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जातीय गोलबंदी और मुस्लिम लामबंदी हिंदुत्व पर भारी पड़ी। मोदी की तीसरी बार सरकार बनने से संविधान और आरक्षण पर खतरे का विपक्ष का शोर भाजपा के लाभार्थी मतदाताओं के समूह तथा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे पर भारी पड़ा। सुरक्षित सीटों पर विपक्षी गठबंधन का जादू, 61 सीटें जीती। गठबंधन सरकार से होगा PM मोदी का सामना। तो चुनावी राजनीति में प्रवेश के बाद करीब 2.5 दशक से बहुमत की सरकारों की कमाल संभालने वाले नरेंद्र मोदी बतौर PM अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। नई सरकार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले TDP के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और JDU मुखिया व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजबूत दखल होगा। बहुमत के आंकड़े से चूकी भाजपा। आज सुबह 11:30 होगी मंत्रिमंडल की बैठक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार सुबह एक बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे का जायजा लिया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है जिसका कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो सुबह 11:30 शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी अभी भाजपा को पड़ी भारी। उत्तराखंड में बरकरार रहा डबल इंजन का दम। गढ़वाल मंडल कांग्रेस ने मुद्दे उछाले, भाजपा ने मोदी की छवि बनाई। चंपावत CM की सीट पर भाजपा ने दिखाया दम। अल्मोड़ा में EVM की गणना पहले हुई। तो लोकसभा मतगणना कार्य मंगलवार सुबह 8:00 शुरू हुआ। सबसे पहले ऑब्जर्वर प्रत्याशियों और उनके एजेंडों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया। इसके बाद विधानसभा वार सबसे पहले EVM की गणना शुरू हुई और बाद में पोस्टल बैलेट मतों की गणना हुई। अल्मोड़ा में सुबह कोतवाल, दोपहर बाद पसरा सन्नाटा। तो फल सीमा स्थित ITI में लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों में सुबह से उत्साह रहा। मंगलवार सुबह 6:30 से ही मतगणना केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का हल्ला बोल पंजाब पस्त हुआ। अल्मोड़ा पहले राउंड से खिले भाजपाइयों के चेहरे।
पिथौरागढ़ 8वें राउंड में ही तय हो गई जीत। परिणाम पर निगाह बाजार व कार्यालय रहे सोने। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम जानने को हर किसी में बेताबी दिखी। देहात से शहर तक, दुकानों से लेकर सरकारी कार्यालय तक हर कोई किसी न किसी माध्यम से परिणाम जानने का उत्सुक रहा। मसूरी में बाजार में पसरा रहा सन्नाटा, कम ही पर्यटक दिखे सड़कों पर। आज से बनने लगेंगे नए राशन कार्ड। तो आज से जिला पूर्ति कार्यालय में नए राशन कार्ड बनने शुरू होंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद से नए राशन कार्ड बनाने पर रोक लगाई गई थी। जिला पूर्ति कार्यालय को नए राशन कार्ड के करीब 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार भी राष्ट्रीय धारा के साथ ही चली देवभूमि। मोदी के सामने लगातार तीसरी बार कांग्रेस ढेर रही। गढ़वाल और अल्मोड़ा सीट तीसरे नंबर पर रहा नोटा। प्रदेश के 44 कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, एक बची। नतीजों से बढ़ा मुख्यमंत्री धामी का राजनीतिक कद। लोकसभा चुनाव में हाथी फिर धड़ाम हुआ। निरीक्षक को सौंपी सानी आत्महत्या की जांच। तो अब 6 जून को होगी आरोपित अजय गुप्ता व अनिल गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई। मोतीचूर और हरिपुर कला में जल्द समाप्त होगी पानी की किल्लत। फेसबुक पर युवती से दोस्ती करना पड़ा महंगा, लुटाए 8.5 लाख। तो फेसबुक पर अज्ञात युवती से दोस्ती करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। युवती ने वीडियो कॉल कर पीड़ित की अश्लील वीडियो बनाई और फिर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को साइबर पुलिस थाने का अधिकारी बताकर ब्लैकमेल किया। आरोपी ने पीड़ित को डरा धमका कर 8,45,000 रुपये अपने खाते में डलवा दिए। इसके बाद भी आरोपित 5 लाख रुपये और डालने का दबाव बना रहा था। शक होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर कैंट कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दून में 15% बढ़ा भाजपा का ग्राफ, कांग्रेस का 8% घटा। तो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा भाजपा ने सुधारा प्रदर्शन। ऋषिकेश में भाजपा को 73% से अधिक मत पड़े। दोपहर से पहले ही भाजपा के पक्ष में झुक गया पलड़ा। कांग्रेस खेमे में छाने लगी मायूसी। दून में 7,581 ने दबाया नोटा, डोईवाला सीट पर सर्वाधिक। राष्ट्रीय फलक पर लगी रही टकटकी। उत्तराखंड में नहीं मिली आशातीत सफलता, मत प्रतिशत बढ़ा। डैम की प्रतिबंधित साइट पर लैंड हुआ विदेशी पैराग्लाइडर। तो पैराग्लाइडिंग करते हुए एक विदेशी पर्यटक जोशीमठ विकासखंड की विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के प्रतिबंधित क्षेत्र में डैम साइट पर उतर गया। डैम साइट के अति संवेदनशील क्षेत्र में लैंडिंग के चलते परियोजना की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने विदेशी पर्यटक को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद चालान कर पर्यटक को छोड़ दिया। वहीं खबर यह, हृदय गति रुकने से बद्रीनाथ धाम में 2 महिला यात्रियों की मौत। तो स्वजन के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आई 2 महिला तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। अब तक बद्रीनाथ में हृदय गति रुकने से 24 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं केदारनाथ में 27, यमुनोत्री में 18, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में 3-3 समेत कुल 96 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। महिला शिक्षक की जहर खाने से मौत, सहकर्मी पर मुकदमा। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने जहर खाकर जान दे दी। शिक्षिका के परिवार ने एक सहकर्मी शिक्षक को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कराने के नाम पर ठगे 75,000 रुपये, मोबाइल और नकदी लूटने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में मिल रहा खराब गुणवत्ता का खाना। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बनने वाले भोजन की जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन। तो पीएम पोषण योजना का मकसद राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकायों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण में सुधार करना है। भारत सरकार की ओर से निर्धारित ऊर्जा और प्रोटीन युक्त भोजन में विद्यालयों की ओर से बरती जा रही लापरवाही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। पटाधारक की फार्म से वसूले जुर्माने की राशि। लिपिक संवर्ग को प्रभार देने का किया विरोध। उत्तराखंड में वनाग्नि की 3 घटनाएं हुई।
NTCA ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की पीठ थपथपाई। डाक विभाग की किस्त में देरी पर चुकाना पड़ रहा GST, तो 18% GST PLI और RPLI की देरी पर लग रहा शुल्क। वहीं खबर है, विकास नगर से 100 बीघा अवैध प्लाटिंग में बना निर्माण ध्वस्त किया। बाइक चोरी कर ले जाते युवक को पकड़ा, तो कोटद्वार से खबर रही है। 24 अग्निवीर बने सेना के अभिनिष्ठा। घर में विस्फोट से युवक के सिर हाथ के चिथड़े उड़े, तो थल पिथौरागढ़ से खबर है। थल कस्बे में विस्फोट से एक युवक के सिर और हाथ के चिथड़े उड़ गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि शरीर से सिर और एक हाथ गायब हो गया। पूरे कमरे में मांस के लोथड़े और खून बिखरा पड़ा मिला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर में विस्फोटक सामग्री कहां से आई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पानी को लेकर दो गांवों में तनातनी, लाइन तोड़ी। तो चमोली से खबर यह, ब्लॉक पोखरी के वल्ली और खन्नी गाँव में पानी को लेकर तनातनी बढ़ गई। जोशीमठ में नहीं आ रहा पानी। बच्चा गायब होने पर हड़कंप, घर के सोफे के नीचे मिला। तो हरिद्वार से खबर रही है, 5 लाख और कार न देने पर विवाहिता की हत्या का आरोप। तो भगवानपुर से खबर है, 31 मई को फोन कर भाई से कहा था ससुराल में दहेज के लिए किया जा रहा है परेशान। 150 गांवों को बड़े तालाब से मिलेगा पानी। नए सांसदों के लिए खोले गए पंजीकरण के काउंटर। विमान में शौचालय से 3.83 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। लोक सेवा आयोग ने अश्विनी प्रोफेसर भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें शॉर्टलिस्ट संशोधित शॉर्टलिस्ट परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त किए गए अभिलेखों की सनिरीक्ष परीक्षा के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के लिए अरे अभ्यर्थी से साक्षात्कार हेतु दिनांक 3 और 4 जुलाई को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार ज्ञापन साक्षात्कार कार्यक्रम को आयोग की वेबसाइट pc.uk.gov पर प्रसारित किया गया। अभ्यर्थी अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु आयोग की वेबसाइट का अवलोकन अवश्य कर लें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से साक्षात्कार से संबंधित आवेदन पत्र इत्यादि को डाउनलोड करने के पश्चात प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरकर समस्त संलग्नों एवं चेकलिस्ट सहित मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उक्त निर्धारित तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में प्रथम सत्र पूर्वाह्न 9 बजे एवं द्वितीय सत्र अपराह्न 12:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सूरज की तपिश के साथ बड़ी सियासी सरगर्मी, रुझान संग बदलता रहा उत्साह। पहले राउंड में खिलने लगा कमल और खिलता ही चला गया। सरकारी दफ्तरों में नहीं पहुंचे फरियादी, बदले सियासी समीकरणों के गुणा भाग में जुटे रहे दूनवासी। दिन भर सुनी रही सड़कें, शाम को बढ़ी चहल पहल। बॉबी पवार हारे लेकिन जीत लिया चक्राता का विश्वास। तो हार के बाद भी बॉबी पवार ने चक्राता विधानसभा के लोगों का विश्वास जीत लिया। चक्राता क्षेत्र में विधायक प्रीतम सिंह और मुन्ना सिंह चौहान के सियासी कद को देखते हुए दोनों बड़े दल बॉबी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन मतगणना के बाद आए चुनावी परिणाम दोनों दलों और बड़े नेताओं को चौंका दिया। बोले युवा रोजगार व शिक्षा क्षेत्र में काम करे सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रोजगार के द्वार खोले सरकार। आज देहरादून में चलेगी झोंकेदार हवाएं, 37 डिग्री रहेगा तापमान। तो मई में तेवर दिखा चुकी गर्मी जून के पहले सप्ताह में थोड़ी राहत दे रही है। आज बुधवार राजधानी दून में झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते यहाँ का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने के आसार हैं। कहीं एक सप्ताह से नहीं आ रहा पानी तो कहीं गंदे जल की आपूर्ति। निवेश का लालच देकर 1,39,00,000 की ठगी का आरोपी पकड़ा गया। कुमाऊनी बोली की बारीकियां सीखी। क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के नाम पर 75,000 रुपये ठगे। तो देहरादून से खबर रही है, फर्जी पैन कार्ड भेजकर 2.93 लाख की ठगी की गई। यौन शोषण में फंसाकर ठगे 8,45,000 रुपये। युवक से मोबाइल और नकदी लूटी। वहीं खबर है, देहरादून से कार के सौदे में धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज किया। आग से 8 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुआ। पानी को लेकर दो गांवों में तनातनी, लाइन तोड़ी। 150 गांवों को बड़े तालाब से मिलेगा पानी। गढ़वा सीट पर भाजपा ने दर्ज की 4th जीत।
केदारनाथ पैदल मार्ग में हेलीपैड तक हो रही यात्रियों की स्वास्थ्य जांच। मन में थी अटूट आशा तो दोनों पैरों से दिव्यांग हरजीत पहुंच गए हेमकुंड। नदी में बहे श्रद्धालु को तीर्थ पुरोहितों ने बचाया। 24 अग्निवीर बने सेना के अभिन्न अंग। एमए थिएटर की सम समेटर की परीक्षा 10 से होगी। क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश के लिए ट्रायल 14 व 15 को होगा। भाजपा और कांग्रेस के निर्दलीय बॉय पवार ने दिखाया आईना, तो भले ही जीत दर्ज नहीं कर पाए बॉय हासिल किए रिकॉर्ड मत। बलूनी ने इगास को राष्ट्रीय पलक पर दिलाई पहचान। बलूनी की जीत आस और भरोसे की, त्रिवेंद्र के लिए खुला संसद का द्वार। चौथी बार भी रानी की दीवानी। 3 बार से अजय हैं अजय। अजय भट्ट सबसे बड़े लड़ैया। हैट्रिक का आधार बनी 6 ट्रिक, तो कांग्रेस को दिए झटके पर झटके। त्रिवेंद्र 3 साल का इंतजार खत्म। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से त्रिवेंद्र को नहीं मिली थी कोई जिम्मेदारी। 5 पर लगा पंच निगाहें, अब उपचुनाव व निकाय चुनाव पर। युवा आंदोलन से निकल बड़े पर्दे पर आए बॉबी, तो टिहरी लोकसभा सीट पर लंबे समय के बाद किसी निर्दलीय को वोट का आंकड़ा पहुंचा 1.5 लाख के पार। युवाओं को पहले ही बना चुके थे वोट बैंक। हरिद्वार में खिला कमल, खुशी से झूम उठे भाजपाई। हार से हतोत्साहित नहीं, पिता की विरासत संभालने को तैयार है कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र। तो वीरेंद्र ने कहा, पहले प्रयास में जनता का प्यार मिला, अब हरिद्वार को बना लिया कर्म भूमि। बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। स्नातक प्रथम वर्ष में पहले दिन 68 छात्राओं ने लिया प्रवेश। 200 पब्लिक स्कूलों ने गरीब बच्चों को नहीं दिया RTE में प्रवेश का मौका। विश्वविद्यालय ने वितरित किए 1100 पौधे, तो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम। तो विश्वविद्यालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रुड़की क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत 1100 पौधों का वितरण किया। आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को नहीं मिल पा रहा पोषण आधार। विश्व पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण दिवस यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित एक उत्सव है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लक्ष्य से हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को लेकर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी। इसका आगाज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। यहां पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने शिरकत की थी। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहीं से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया। सैंतालीस साल हरिद्वार सीट पर 3 बार ही जीत पाई कांग्रेस। चुनावी तपिश में फिर खिला कमल। जीत के जश्न में कहीं होली तो कहीं मनी दिवाली। रामनगर में प्रियंका गांधी का नहीं चला जादू। खामोश है मतदाताओं के दिल दिमाग पर दिखा मोदी का असर। वही खबर, हल्द्वानी से प्रेमिका के घर लटका मिला विवाहिता हिस्ट्री सीटर का शव, हत्या का आरोप। आश्रम परिसर में काट दिए 4 हरे पौधे। भालुओं के दिखने से ग्रामीण में दहशत, तो गर्म पानी नैनीताल से खबर रही है। रंगदारी मांगने का आरोप लगा। हल्द्वानी से लेकर बेताल घाट तक धधके जंगल। गरीब रथ एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से पहुंची। नीट अक्षत को पिता से मिली डॉक्टर बनने की प्रेरणा। छात्रों में प्रवेश प्रक्रिया बंद करवाई महिला कॉलेज में की तालाबंदी। रामनगर महाविद्यालय में एडमिशन शुरू हुआ। हल्द्वानी बिजली के लिए हाहाकार। अल्मोड़ा सीट 3री बार खिला कमल। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले धारचूला में भाजपा की सेंध मारी। अजय और प्रदीप को पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर मिले सर्वाधिक मत। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कार्य की EVM का डाटा हुआ डिलीट, तो चंपावत विधानसभा मतदान केंद्र 84 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कार्य की EVM का डाटा डिलीट होने के कारण गणना नहीं हो सकी। चंपावत में 3रे नंबर पर रहा नोटा। अल्मोड़ा सीट 3री बार खिला कमल।
विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा, लचीलापन। सीट पर भाजपा कांग्रेस वोट शेयर में मामूली बढ़त, चुनावी तपिश में खिला कमल। खटीमा और रुद्रपुर के